Assalamualaikum my good family, welcome back to Sabha Residency Jaffna. हम जा रहे हैं कोकी जैन, कराची का बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है. के लिए कराची अब ये खाया था यहाँ पे बैठ के. अभी हमने शावरमा खाया है और फिर मजे ये हुआ कि कहाँ चले गए थे तुम, कब से एक ही जोड़ा पहने हुए. अस्सलाम वालेकुम. आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी हूँ ठीक ठाक. और आज आ गया है आपका ये दिन. ऑब्वियसली टाइम गुजरता रहता है और टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है तो पता भी नहीं चलता. अभी ये था कि अभी हमें कराची जाना है, कराची जाना है. और आप एकदम से ये आ गया है कि अब मैं जा रही हूँ वापस बहुत. फिलहाल आज है आपके दिन है कराची और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच पे जो कि होस्ट कर रहे हैं मेरे भाई. और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ. आज क्या क्या करेंगे दिन भर वो भी मैं आपको तो बताऊंगी. और फिर मेरा जाने का वक्त आ जाएगा लाहौर. और ये वाला ब्लॉग इंशाल्लाह लाहौर पे कहीं जाकर ख़त्म होगा. तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. और आपको ये बता दूँ कि हम लंच में कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं कोकी जैन, कराची का बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है. वहाँ पर हम क्या खाते हैं ये मुझे कुछ नहीं मालूम है क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वहाँ पर. तो चलते हैं. डिस्पोजेबल कप दो चाय ला दो. दो पंजाब में जैसे गैस नहीं होती इसी तरह कराची में भी गैस नहीं आ रही है. तो सब बिना चाय के गए और यहाँ खरीद आ रही है चाय. इतना शुभिस लगता है वरना लगेगा नहीं चाय अंदर. ये चाय आराम से चाय लेके फिर हम चल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है कोकी जैन. अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मुझे बताया था मेरे भाई ने कि हम लोग लंच पे कोकी जैन जा रहे हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जा रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था. हम लोग डायरेक्ट लंच करने आ गए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 बजे तक पहुँचना था हमें हर हालत में क्योंकि गेस्ट को हमने शायद 1:30 या 1:45 पे बुलाया हुआ था. तो हम लोग ऑब्वियसली होस्ट कर रहे थे, यानी हमारे भाई होस्ट कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग को जल्दी यहाँ पहुँचना था. और जब मैं यहाँ पे आई तो लिटरली बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये वाला रेस्टोरेंट. यहाँ का एम्बियंस बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इस रेस्टोरेंट को. मैंने अक्सर व्लॉग में कोकी जैन को देखा था लेकिन यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा लाइव में जब देखा तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन तरीन रेस्टोरेंट बना हुआ था. और साथ ही साथ जो यहाँ की जो बैठने की जगह है वो हम जब पहुँचे थे बिल्कुल खाली था. इक्का दुक्का लोग पहुँचे हुए थे, ज़्यादा लोग थे ही नहीं क्योंकि हम लोग मैंने जैसे कि कहा कि 1 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे. और फिर जल्दी से ऑर्डर किया क्योंकि हमारे गेस्ट अभी तक नहीं पहुँचे हुए थे. और फिर मैंने तो ले ली ये बुक क्योंकि भूख जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी. तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग स्टार्टर्स में क्या मंगवाएँ और फिर मेन कोर्स हम लोग क्या मंगवाएँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो उन्होंने इनवाइट किया था अपने एक फ्रेंड को तो उसमें हम भी चले गए. तो मुझे बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और यहाँ पे हर किस्म के फूड है. यहाँ पे मेन कोर्स जो होता है यहाँ का सुना जो है हमने इस रेस्टोरेंट का जो बहुत अच्छा जो खाना होता है वो होता है चाइनीज़. और कोकी जैन एक तरीके से चाइनीज़ ही रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ पे सी फूड भी बहुत अच्छे होते हैं, सुशी भी यहाँ मिलती है. लेकिन ऑब्वियसली हमने स्टार्टर्स में ऑर्डर करवाए थे चिकन हॉट एंड सार, यानी हॉट एंड सार सूप मंगवाया था. और साथ साथ यहाँ पे मंगवाई थी डम्पलिंग्स. अच्छा डम्पलिंग्स हम लोगों ने मैंने ख़ासतौर पे फर्स्ट टाइम खाई थी, हम लोगों नहीं ऑब्वियसली भाई भाभी लोग तो खा चुके हैं. अम्मी अब्बू और मैंने यहाँ की डम्पलिंग्स फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी. जो लिटरली जब वो आई तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था ये है क्या चीज़. तो ये है डम्पलिंग्स. और आप लोग जब कोकी जैन जाएँ तो डम्पलिंग को ज़रूर मंगवाइएगा क्योंकि डम्पलिंग बहुत यम्मी थी. मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की थी. और कोकी जैन जो है ऑब्वियसली यहाँ लाहौर में ब्रांच नहीं है वरना मैं ज़रूर जाके दोबारा रीविजिट करके आपको दिखाती. और फिर मेन कोर्स में हम लोगों ने ऑब्वियसली सारा चाइनीज़ मंगवाया था.
यानी चाउमीन मंगवाए थे, और दो तीन किस्म के हम लोगों ने ग्रेवीज मंगवाई थी, ब्लैक एंड पेपर, और चिकन चाउमीन मंगवाए थे, मंचूरियन मंगवाया था, और साथ ही साथ फ्राइड राइस मंगवाए थे। तो नो डाउट यहाँ का टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी हम लोगों का लंच था। और एट दी एंड हम लोगों ने यहाँ का लंच तो हम लोगों ने ख़त्म किया, वो किया अपने वनीला आइसक्रीम पे। यहाँ की आइसक्रीम्स भी बहुत मज़े की होती हैं, फज केक भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मंगवाई थी वनीला आइसक्रीम। और इसके बाद लंच तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह हो गया, और उसके बाद हम कहाँ गए, सो गाइस अब हम जो है जा रहे हैं एक और जगह, और हम घर आए, घर में आके हमने नमाज पढ़ी और आराम किया, और फिर हमारी कज़न ने हमें बुलाया कि भाई क्या कर रही हो, तो फिर हमने कहा कुछ नहीं कर रहे, तो वो अब हमें लेके जा रही है घुमाने के लिए कराची। अब वो कहाँ लेके जाती है, किधर लेके जाती है, ये फिर आपको आप बताते हैं। फिलहाल हम यहाँ की सड़कों में घूम रहे हैं, ये देखें आप यहाँ पे कराची की, और वो भी कैंट स्टेशन की सड़कों में घूम रहे हैं। हम घूम रहे हैं कैंट स्टेशन की सड़कों में, और कराची में बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है, चेंज हो गया कराची इतने सालों में। तो अब हम आपसे मिलते हैं वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग आ पहुँचे बोर्ड बेसिन, और बोर्ड बेसिन कराची की मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है। यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटीज़ मिल जाती हैं, जो कुछ आपको खाना होता है वो आपको यहाँ मिल जाता है। और मैंने खाना था ऑब्वियसली, मुझे लेकर आई थी मेरी कज़न, तो मुझसे ही बार बार पूछ रही थी कि क्या खाओगी क्या खाओगी। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे खाना है शावरमा, यानी यहाँ पे एक प्लेटर शावरमा की एक शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है। और यहाँ हम लोग बचपन से आके, हम लोगों ने यहाँ पे नहारियन भी है, यहाँ पे कढ़ाई भी है, हर चीज़ है। लेकिन मैंने यहाँ मंगवाया था शावरमा का प्लेटर, और लिटरली मैंने ये लाहौर में नहीं खाया था। इस तरह का प्लेटर मैंने लाहौर में नहीं खाया, ना हुमस अकेला मिलता, मतलब एक तरीके से प्लेटर ऐसी हो जहाँ हुमस हो, जहाँ चिकन हो, चाहे सलाद हो, यानी पिकल्स वाली सलाद हो, अचार वाली अचार मतलब सलाद हो, और रायता हो, और रोगनी नान हो। ना हमने बहुत मज़ेदार खा लिया यहाँ पे बोर्ड बेसिन की फूड स्ट्रीट में, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बोर्ड बेसिन की फूड स्ट्रीट में क्या क्या कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। आइए, सबसे पहले जो हमने खाया वो ये खाया था, यहाँ पे बैठ के अभी हमने शावरमा खाया है, यानी शावरमा प्लेटर। और ये है सारी की सारी फूड स्ट्रीट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये देखें तो सबसे पहले देसी डेरा फैमिली हॉल, फिर बलोच स्पाइस, और ये बलोच आइसक्रीम बहुत मजेदार है। फ्लेमिंगो, वो चाट है बेटा। हाँ, ओके, चाट है, मैं समझे वो आइसक्रीम है। खानी है चाट? नहीं नहीं दिमाग खराब है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी, बलोच आइसक्रीम खा दूंगी, कह रही है मैंने। और यहाँ बोर्ड बेसिन में बहुत मशहूर चाट वाले होते हैं, वो होते हैं फ्लेमिंगो, वो बहुत मज़ेदार होती है। तो आप लोग आए बोर्ड बेसिन, यहाँ पे जगह हम बचपन से इधर आए, आते हैं। नहीं यहाँ की नहीं, मतलब बलूच की अपनी जो सरप्राइज होती है, सदर मदर में इतनी बड़ी तो दी गई थी, इतनी मजेदार हो, चेरी भी है, पाइनएप्पल भी है, वनीला भी है, ओह माय गॉड, बहुत ही मजे की आइसक्रीम लग रही है। चला और फिर आइसक्रीम खा के मज़े करके फिर हम आ गए थे अपनी खाला के घर, यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए जाने से पहले, और लिटरली बहुत मज़ा आया, नो डाउट। दीवार थी, दीवार के वहां बैठ गए।
जंगी लगी मेरे यहाँ शिराज शिराज अली मैं यहाँ ऊपर आदम आदम तो वही तमाम हो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई? यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा था। असल में यहाँ पे ये जो कज़न है हमारे जिन्होंने बॉलीवुड टुनाइट में अजय देवगन का गेटअप किया हुआ था, तो यहाँ पे ये जो है किस्से सुनाने में और पैरडीज़ करने में बहुत मशहूर है हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह से, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है नो डाउट हमारे ख़ानदान में। यानी जब ये किस्से सुनाने लगें तो हम लोगों को बेइंतहा मज़ा आता है, और ये सारे किस्से जो सुनाते हैं ये एक्ट करके सुनाते हैं हम लोगों के बचपन के, यानी जो इन लोगों के कज़न थे जिस तरह सारे जो लड़के थे ये लोग, इन लोगों का जो बचपन था वो कैसा गुजरा, क्या क्या शरारतें होती हुई गुजरी, तो वो सारे किस्से कहानियाँ ये सुना रहे थे जिनको हम बहुत मज़े ले ले के सुनते हैं। और बाकायदा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो वाला किस्सा सुनाओ दोबारा और वो वाला कहानी सुनाओ दोबारा। आप लोगों के ख़ानदान में भी कोई ना कोई एक ऐसा होता होगा जो कि कहा जा सके कि हार्ट ऑफ अ फैमिली कहा जाए, कि जो फैमिली मतलब ये बहुत बड़ा काम होता है और बहुत मुश्किल काम भी होता है कि आप जो है महफिल की जान लूट लें एक तरीके से, महफिल में मज़ा लेकर आ जाए, पूरे महफिल में मतलब सबके सब लोट पोट हो जाए, यानी इतना हंस हंस के सबके सब लोट पोट हो जाए। तो ये हमारे एक वाहिद कज़न है, और मज़े की बात है कि जब हमारे ख़ानदान में शादियां होती हैं तो बजाय ढोलकी यानी गाने और डांसेस होने के, हम लोग चाहते हैं कि इसी किस्म की महफिल सजे और हम लोग अपने पुराने बचपन के किस्से और पुरानी कहानियाँ कोई भी कोई और सुनाए, कभी कोई और सुनाए। और ये जो होते हैं ये तो खैर फिगर ऑफ़ द फैमिली होते हैं, मेन फिगर ऑफ़ द फैमिली होते हैं, तो इनसे तो हम नो डाउट हमेशा किस्से सुनते रहते ही हैं। तो अल्लाह करे बस इनको हमेशा कामयाबी दे। भाई दानिश और मोहम्मद अली शिराज और मैं, ये हम जब कजन होते थे तो हम लोग तीन मिल जाते थे, तो मोहम्मद अली शरीफ होते थे मगर मोहम्मद अली का शराफत में रहने का दिल नहीं चाहता था, वो बस चाहते थे और चाहते थे हर चीज का इंतजाम हम ले, हर चीज का इंतजाम हम ले, और हम मोहम्मद अली को प्रोटेक्ट करते थे। हम है ना यार, चलो अंदर उसका शैतान था, अंदर अंदर शैतान था बाहर नहीं था, और आगरे का शैतान था और बरामदी का, जैसे शैतानी इसके लिए हमने की बात सुनो। एक दफा मैं और मोहम्मद पहला दिए बीच में आ गए, जैसे मैं और मोहम्मद अली खाला मांगे रुके के घर गए थे, अब मोहम्मद की शराबत से गुजर जाए, तो हमने कहा चलो गाड़ियों पे चल के कूदते हैं फिर निकल जाएंगे। तो मैं गया फटाफट में गाड़ी पे कूदा, छत पे कूदो और क्रॉस करके बाहर आ गया। मोहम्मद अली जब गाड़ी चली गई तो वो साइड से आ गए, उसके बाद हम आगे चले गए, तो मैंने तुम कूदे क्यों, तो कहेंगे हिम्मत क्यों, तो मैं एक दफा दोबारा हूँ क्या कूद क्या, फिर वो रिश्ते वाला पांच कानूनी का इलाका था, फिर मोहम्मद अली गए, मोहम्मद अली गए उस गाड़ी मेरे शाबाश जिनके बारे में इन्होंने वाक़ सुनाया, तो ये थे मेरे भाई जो के हैं अभी दुबई में, आपने दुबई के व्लॉग्स में इनको देखा होगा। तो बहरहाल लिटरली इनके वाक़ात इनके किस्से मज़ाहिया किस्से सुन के हम लोग तो बहुत लोटपोट होते हैं, और आप लोगों के ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा होता होगा जो फिगर ऑफ़ द फैमिली होता होगा, लिटरली फैमिली का एक ऐसा बंदा जो, और ये भी बहुत बड़ा आर्ट है किसी को हंसाना, इट्स अ वेरी बिग आर्ट। तो बहुत मज़ा आया मुझे आखिरी दिन इन कराची, और एक तरीके से ये दिन बहुत बोर गुजरने वाला था, लेकिन मेरी कज़न मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे बहुत मज़े करवाए, और दिन का भी लंच बहुत अच्छी जगह हुआ था, और फिर रात का तो आपने ये देख ही लिया। और इस और यकीन करें ये किस्से कहानी फिर हम लोग की जो व्हाट्सएप फैमिली है उसमें भी चलते रहते हैं, तो उसमें भी लोगों ने इन किस्से कहानियों को बहुत बहुत मिस किया और मज़ा किया सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह रात तो बहुत अच्छी गुजरी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लंच भी बाहर, डिनर भी बाहर, और रात में तफरी भी बाहर, और फिर हम लोगों को आते आते रात के 2 बज गए थे, और फिर मैंने उसके बाद पैकिंग की, और फिर मज़े ये हुआ कि हमारी फ़्लाइट जो 3 बजे की थी दोपहर की वो हो गई 10 बजे, यानी प्री पोन हो गई 10 बजे, तो सुबह तकरीबन 7 बजे मुझे निकलना पड़ा घर से। अब्बू आए थे मुझे छोड़ने के लिए, और अम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र जब तक मैं घर पहुंची थी तो अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं थोड़ी सी यहाँ उदास हो रही थी, क्योंकि
क्योंकि अम्मी अबू से अलग होकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इतने अम्मी अबू नवंबर से आए हुए थे और नवंबर से हम लोग साथ ही साथ फिर रहे थे, फिर मैं कराची भी आ गई थी, तो थोड़ी सी मैं उदास हो रही थी। टाइम आ गया अब जहाज पे बैठने का, अलग होकर ये लेट है टाइम से आगे चला बेस्ट, और अब हम मिलते हैं जहाज सर, जरा अंदर हो जाएगा। फ्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी, यानी ऑन टाइम जल्दी हम लोग आ गए, आई डोंट नो कैसे हम लोग जल्दी आ गए। अब मैं जा रही हूँ सामान लेने, होप कि हाँ सामान जल्दी मिल जाए बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ चले गए थे तुम, कब से एक ही जोड़ा पहने हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से कैसे चढ़ाएंगे? तो हम पहुँच गए थे लाहौर, बच्चों से भी मिले और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।